बनास स्पोर्टिंग क्लब के तत्वावधान में स्वर्गीय राजनारायण डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट बेनियाबाग पार्क में रविवार को प्रारंभ हुआ। उद्घाटन मैच बनास स्पोर्टिंग क्लब बेनियाबाग वर्सेस नाइक स्पोर्टिंग क्लब के बीच संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि अशोक तिवारी नगर महापौर वाराणसी के हाथों से उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ। महापौर अशोक तिवारी का बनास स्पोर्टिंग क्लब के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। स्वागत करने वाले प्रमुख प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर नूर आलम, रईस हसन, बिल्ले शमशी रजा, महताब आलम कोच, अनीश हसन मुन्ने राजा, काशिम और शालिक रहे। मैच का संचालन मोहम्मद साजिद उर्फ गुड्डू द्वारा किया गया। उद्घाटन मैच में बनारस स्पोर्टिंग क्लब ने 3-2 से विजय प्राप्त किया। मैच का पहला हाफ और दूसरा बराबर रहा। ट्राईब्रेकर के सहारे मैच का निर्णय हुआ, जिसमें बनारस स्पोर्टिंग क्लब 3-2 से विजयी हुआ। क्लब की तरफ से यासीन, अनवारुल और अमित ने गोल किए। यहाँ के जो प्रबंधक हैं, यहाँ के कोच हैं, विशेषकर नूर आलम जो मेरे मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, इन लोगों ने जो प्रयास किया खेल के प्रति, विशेषकर फुटबॉल के प्रति, वो बहुत ही बेहतरीन है। और ये जो बच्चे निकलेंगे, यही काशी और भारत का नेतृत्व करेंगे। और आने वाले समय मैं बता रहा हूँ, पूर्वांचल अगर किसी किसे जाना जाएगा तो वो केवल फुटबॉल से, खेल के मैदान में फुटबॉल से जाना जाएगा। क्योंकि ये जो बच्चे निकल रहे हैं, जो इनकी परवरिश हो रही है, जो इनको कोचिंग मिल रही है, यहाँ के जितने पुराने आज मुझे प्लेयर मिले वो अद्भुत है। जितने सभी लोग जितने लगन से, जितना परिश्रम से, समर्पण से काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। खिलाड़ियों को तो ज़्यादा कंपटीशन मिलना चाहिए। प्रैक्टिस तो रेगुलर करते हैं, लेकिन कंपटीशन ना होने के कारण वो खेल नहीं पाते। इसीलिए ये टूर्नामेंट रखा गया, 9-side फुटबॉल टूर्नामेंट। और खिलाड़ियों को कंपटीशन ही चाहिए मेन। और हम एक रिक्वेस्ट भी करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से, मेयर साहब से, कि ग्राउंड बहुत छोटी, पहले बहुत ग्राउंड रहा करती थी, उस ग्राउंड को आज बड़ा करने के लिए। ये है, एक हफ्ते का मैच है।